गाइस, आज हम बनाएंगे एक सर्कल सीनरी। बहुत इजी होती है। तो सबसे पहले हमें ना उसके लिए हमें चाहिए होगा हमारा कंपास। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम सर्कल उसके बिना कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये हटा के इसके उसके बाद हम अपने कंपास को पेंसिल के अंदर फंसा के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सर्कल हमारा थोड़ा और पहली बात ये हमारा जो प्रकार है ना वो बिल्कुल भी ढीला ही होना चाहिए, वरना अगर वो ढीला होगा ना तो है ना जो ड्राइंग है ना अच्छे से बन नहीं पाएगी। ओके ओके गाइस, सो पहले हम सर्कल बना लेंगे। ओके, तो हम पहले सर्कल बनाएंगे अपना एक। ओके गाइस, तो हमने पहले ये जो सर्कल बनाने के बाद हाँ ओके गाइस, तो हमने ये जो हमारा सर्कल है वो सो गाइस, हमने जो है अपना पूरा सर्कल ये ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे उसके बाद गाइस हम बनाएंगे। हम पहले अपने प्रकार को इस नीडल में से निकाल के अपने हम अपना अपनी पेंसिल को इस कंपास में से निकाल के इसको रख के फिर उसके बाद हमें चाहिए एक के डी। अगर आपके पास डी हो तो स्केल हो, आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, आप डी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फिर उसके बाद हमें एक लाइन खींचनी होगी। एक लाइन, ये लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके गाइस, तो फिर ये लाइन हमने खींच ली है। ओके, तो फिर उसके बाद हम और लाइंस खींच लेंगे इसके बीच गैप दे दे के, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा गैप दे देकर हम ऐसी और लाइंस खींच लेंगे। ओके, उसके बाद और लाइंस इसमें खींच लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बनानी होगी ब्रेक्स। ओके, यहाँ पे हमें बनानी होगी ब्रेक्स, हम लाइन खींचते हैं। सो गाइस, हमने जो सारी की सारी हमने लाइन खींची रख ली है। फिर उसके बाद हम ईंट बनाने के लिए ना, तो इसमें है ना हम छोटे छोटे से ना थोड़े मतलब है ना ईंट के टाइप के ना हम वो बॉक्सेस बना देंगे। पर लेकिन ये बॉक्सेस है ना एक मतलब एक के ऊपर एक नीचे नहीं होने चाहिए, मतलब है ना अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग में। ओके ओके गाइस, तो फिर हम इसको खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे मतलब अपनी। ओके, फिर हमारी ये लाइंस खिंच गई हैं। तो आप देख लीजिए, आपको इस प्रकार इसको लाइन को खींचना है हमें। ओके ओके गाइस, फिर उसके बाद हम ना यहाँ पे पहले एक हम अपनी स्केल की मदद से ना आप देख लीजिए, ये थोड़ा गलत हो गया, तो मैं ना अपनी स्केल की मदद से थोड़ा सा ये पहले यहाँ पे खींचेंगे एक लाइन लंबी। ओके, फिर उसके बाद एक लाइन उससे छोटी, फिर उसके बाद एक लाइन तीसरी उस सबसे छोटी। ओके, तो ऐसे करके हमें बनाने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे हार्ट बनाएंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, तो हमें कुछ ऐसे खींच के ना यहाँ पे एक हार्ट बनाना है। ओके, हार्ट बना देंगे हम यहाँ पे एक सुंदर सा हार्ट, पहले ये बन गया। ओके, एंड दूसरा ये बन गया। एंड अब हमारा जो तीसरा है वो ये बन गया। ओके गाइस, हमने कुछ इस प्रकार इस टाइप से हमने ये जो हमारे जो हर्ट्स हैं वो बना लिए हैं। ओके, फिर उसके बाद हम दोबारा से हमें जो हमारा कंपास है ये जो इसकी दोबारा से हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसकी हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले अपने पेंसिल को इसके अंदर कंपास के अंदर लगा लेंगे। बहुत ही छोटा सा गोला, बहुत ही छोटा सा सर्कल बनाएंगे हम। कम से कम हम इतना बड़ा, कम से कम हम है ना हम कम से कम हम है ना इतना बड़ा सर्कल बना लेंगे। ओके, तो हम पहले अपना ये जो हैगा हम पहले ना अपना है ना सर्कल बना। तो फ्रेंड्स, हम कुछ इस प्रकार से ये अपना सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके,
फिर उसके बाद हमें यहाँ पे छोटी छोटी सी बर्ड्स ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, मतलब यहाँ पे एक एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे दिख रही है ना, और तीसरी यहाँ पे, एंड फिर चौथी हम इस लाइन में बड़ी सी बना देंगे या ओके गाइस। तो हम चौथी इधर बना देंगे बड़ी सी एकदम। सो गाइस फिर उसके बाद हमें, सो गाइस उसके बाद हमें ना जो हमारी ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के कोने कोने में ना हल्की हल्की पहले हम लाइन खींच लेंगे। ओके ब्रिक्स के कोने कोने में हम हल्की हल्की एकदम हल्की हल्की लाइन खींच लेंगे। ओके फिर उसके बाद उसको ना ऐसे ऐसे हल्का हल्का डार्क करेंगे। ओके ऐसे ऐसे करके हम डार्क करेंगे। ओके सो गाइस हम इसी टाइप से अपनी जो सारी है ना सारी ब्रिक्स हैं हम उन्हें ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद हम फिंगर से इन्हें ऐसे ऐसे करके थोड़ा कर देंगे। तो आप रिजल्ट देखिए हमारी ब्रिक्स का, तो हमारी जो ब्रिक्स हैं वो एकदम बहुत मस्त बनी है। फिर उसके बाद ना गाइस उसके बाद हमें ना अपने सन के ऊपर हल्का हल्का ना ऐसे ऐसे करना है, मतलब हल्का हल्का ना एक ही तरफ शेड करना है, नहीं दे रहा है बाकी तरफ बहुत हल्का हल्का है ना। फिर जो डार्क शेड करे ना उसे अपनी फिंगर से हल्का हल्का कर देंगे। ओके हल्का हल्का वो कर देंगे ब्लेंड। ओके गाइस फिर हम बनाने के बाद हमारी यहाँ पे थोड़ी सीनरी हो गई है। उसके बाद हमें ना अपने हर्ट्स में कलर करने के लिए ना ये ऑयल पेस्टल्स कलर चाहिए होंगे। ओके वह मेरा टूट गया है, तो हम उसके बाद ये जो हमारा रेड कलर है ना, ये रेड हमारा ऑयल पेस्टल का जो रेड कलर है ना रेड, उससे उससे हमें ना इसको ना हमारे इसको हर्ट को फिल कर लेंगे। ओके ओके गाइस फिर उसके बाद हम इसको भी ब्लेंड कर देंगे हल्का हल्का। ओके फिर उसके बाद फिर जाके हमारी जो सीनरी है वो यहाँ कंप्लीट होती है। ओके मिलते हैं नई वीडियो में, सो बाय बाय। बाय बाय।